कुछ और सटायर मारा था सब म्यूटिंग मुट, म्यूटिंग सर वो हम समझ गए <laughs> स्वागत है आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा की वजह से हम प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो के से हो मित्रों कांग्रेस पार्टी ने अनेक मौकों पर यह चिंता जाहिर की है कि भाजपा जो कि पिछले सात सालों से अधिक समय से सत्ता में काबिज है वो कृत्रिम तरीके से लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है वो इंटरनेट के माध्यम हो, माध्यम हो या सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने कई बार प्रमाण दिया कि वो लोकतंत्र को प्रभावित करने का कोशिश कर रही है झूठ को सच बनाकर दिखाती है और सच को झूठ बना देती है इसी मुद्दे से जुड़ा है आज का पत्रकार वार्ता हमारे साथ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आपको जानकारी दे। आप सबको मेरा नमस्कार और बड़े दिनों बाद आज इस प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है आशा है आप सब लोग सुरक्षित होंगे मैं उत्तर प्रदेश से ज्वाइन कर रही हूं लेकिन जैसा कि प्रणब प्रणव जी ने कहा कि लगातार मोदी सरकार में एक ना एक वाक्य ऐसा होता जा रहा है जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को क्षीण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है चाहे वो स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही का मामला हो जो निडर हो के अपनी काम करते हैं फर्जी केसेस हो देशद्रोह के आरोप हो या जो पेग के माध्यम से पता चला कि किस तरह से आम जनता की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन पर बैठे लोगों की निर्वाचित सदस्यों की जजेस की उनसे संबंधित लोगों की चुनाव आयोग आयुक्त के लोगों की किस तरह से जासूसी करी जा रही थी वो एक मामला हो जो कि लोकतंत्र को किसी भी तरह से शीर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। या जो वायर एजेंसी के माध्यम से एक रिपोर्ट सामने जिसमें बताया गया कि कैसे टेक फॉग नामक एप से दुष्प्रचार किया जा रहा है हेट स्पीच फैलाई जा रही है वो थोड़ी टेक्निकल है और मैं उसको थोड़ा सा सामान्य करके आपके व्यूअर्स के लिए आपके पाठकों के लिए जरूर बताना चाहूंगी जो भी अब मैं कोट करूंगी वो वायर न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के माध्यम से कर रही हूं वायर ने कल एक सनसनी खेज खुलासा किया कि टेक टेक नामक एक है जिससे कि भाजपा की आईटी सेल उससे संबंधित लोग भाजपा के नेता उनका युवा मोर्चा और तमाम भाजपा के शीर्ष नेता मिलकर दुष्प्रचार झूठ तो फैलाते ही हैं साथ ही साथ वो लोगों को टारगेट करने का हेट स्पीच का भी काम करते हैं और विशेषता तो ये हेट स्पीच या तो समुदाय विशेष के खिलाफ होती है या महिलाओं के खिलाफ है और इसमें सबसे ज्यादा उनके रेडार पर महिला जर्नलिस्ट महिला पत्रकार आते हैं तो मैं दो मिनट तो पहले ये बता दूं कि ये टेक फॉग नामक बला है क्या फॉग एक ऐप है जिसके माध्यम से बहुत सारे ऑटो सिस्टम जनरेटेड या एप जनरेटेड ट्विटर हैंडल्स, फेसबुक पेजेस शेयर चैट अकाउंट्स व्हाट्सएप अकाउंट्स एक्सेस किए जा सकते हैं ट्वीट्स के माध्यम से वो ऐसे एकदम से अकाउंट्स वो क्रिएट कर सकते हैं इसकी कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं रहती है और इन्होंने तमामों ट्रेंड को चलाने में बड़ी कारगर भूमिका निभाई है तो स्वतः आप हैंडल्स क्रिएट कर सकते हैं ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं इसमें ओ तक की जरूरत नहीं होती है और इसीलिए ये बहुत खतरनाक एक वाक्य है ये सिस्टम जनरेटेड हैंडल्स फिर भाजपा की मदद करते हैं कोई भी ट्रेंड चलाने में वो ट्रेंड जैसे मैंने आपसे कहा कुछ महिला पत्रकारों के खिलाफ हो सकता है महिला समुदाय के खिलाफ हो सकता है किसी धर्म समुदाय के खिलाफ हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो सकता है वो जो मनचाहा झूठ परोसना चाहे उसका नैरेटिव बनाने में ये जो टेक फॉग नामक बला है ये मदद करती है ये जबरदस्त तरीके से हेट स्पीच फैलाती है मैं इसके तीन वाक्य आपके सामने रखना चाहती हूं आप सबको याद होगा कि कैसे चिलचिलाती हुई धूप में पैरों में छाले लिए हुए इस देश में चुनी हुई सरकार ने पिछले साल श्रमिकों को अपने घर चलने को मजबूर किया जब सोनिया गांधी जी ने जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हम इनका खर्चा वहन करेंगे उस दिन इस टेग की मदद से एक ट्रेंड चलाया गया था हैशटैग करके कांग्रेस अगेंस्ट लेबरर्स और ये सारी डिजिटल फुटप्रिंट आपको बयां करती है रात को तीन बजे उत्तर प्रदेश में झूठ परोसने के लिए कर्मयोगी चलने लगता है जब कोरोना हो रहा था तो तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए और एक दुष्प्रचार एक समुदाय विशेष के खिलाफ करने के लिए फिर टेकफॉक का इस्तेमाल हुआ था तमामों को गंदी गंदी गालियां भद्दी गालियां देने के लिए टेकफॉक का प्रयोग होता है कई बार अगर आप एक ट्वीट करते हैं और अगर आप सरकार के खिलाफ थोड़ा बोल दीजिए तो आपके रिप्लाईज में आपके रिस्पॉन्सेज में तमामों अनर्गल अनर्थक बातें अभद्र टिप्पणियां आपको जान की धमकी सेक्सुअल कॉन्टेशन ये सारे काम टेकफॉग जो बला है वो करती है जिसको भाजपा की आईटी सेल भाजपा के नेता संरक्षण देके चलवाते हैं अब यहां पर यह बताना जरूरी है कि भाजपा का इससे क्या लेना देना है इस टेक के मैनेजर देवांग दवे नाम के एक सज्जन है देवांग दवे नाम के वही सज्जन फडनवीस जी के ऑफिस में काम करते थे वो भाजपा की आई सेल में थे अभी थोड़े दिनों पहले तक वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेशनल सोशल एंड मीडिया हेड थे वो आई नर, आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी भी चलाते हैं लेकिन ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि चुनाव आयोग ने उनको कुछ वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट पर दिया हुआ है तो एक व्यक्ति जो भाजपा की आईटी सेल में रहकर इस तरह का दुष्प्रचार इस तरह की नफरत इस तरह की अश्लीलता इस तरह की गालियां इस तरह का नरेंद्र मोदी जी का समर्थक होना करता है उसको चुनाव आयोग किस तरह से काम दे सकता है यह अपने आप में एक दूसरा सवाल है लेकिन देवांग दवे जी का इसमें बहुत ज्यादा टेक फॉग में योगदान है टेक फॉग की गड़बड़ी क्या है टेक फॉग की सबसे बड़ी गड़बड़ी यह आपको पता ही नहीं चलता उनका सर्वर कहाँ है क्योंकि इसको जियो रेप्लीकेटेड सर्वर बोलते हैं वो कभी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर होता है बहुत सारी लोग इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले लोगों में भारतीय जनता पार्टी है उसका युवा मोर्चा है भाजपा के तमामों नेता हैं लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि उसको एक्सेस करने वाले हमारे कुछ मीडिया के चैनल भी हैं जो रोज शाम को दुकान लगाकर सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसते हैं सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार करते हैं उनका नाम लेकर उनको और ख्याति दिलाना मैं सही नहीं समझती हूं लेकिन वो जानते हैं वो कौन है इसमें एक और समस्या की बात है और वो समस्या की बात यह है कि ये सिर्फ ट्विटर अकाउंट्स या फेसबुक तक ही सीमित नहीं है ये आपके व्हाट्सएप पर भी कब्जा कर लेता है आपके व्हाट्सएप पर अगर आपने व्हाट्सएप कर दिया आपने फोन पर तो इसका पास उसका कब्जा है जिन लोगों को इंटरव्यू किया वायर ने तथा कथित तौर से उन लोगों ने बोला कि उनके पास ऐसे अकाउंट से मैसेजेस आए जिन्होंने व्हाट्सएप इंस्टॉल ही नहीं किया था तो यह व्हाट्सएप से आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके लोगों को मैसेज भेजने का पूरा काम कर सकता है शेयर चैट के माध्यम से जिन लोगों ने अपना शेयर चाट अकाउंट कुछ दिनों से यूज नहीं किया था उन्होंने वायर को बताया कि उनके अकाउंट्स भी इस लिस्ट में आए ये शेयर चाट के अकाउंट्स को भी हैक करके रीजनल लैंग्वेजेस में भाजपा के द्वारा परोसा हुआ आधा सच पूरा झूठ टेस्टिंग होती है इसके माध्यम से लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तलब बात यह है कि परसिस्टेंट सिस्टम नाम की जो कंपनी है और जिनके प्रमुख श्री देश जी आनंद देश जी UIDI की गवर्निंग बॉडी में है जो कि एक्चुअली भारत का नेशनल हेल्थ डेटा मिशन को डेवलप करने में मदद कर रही है कंपनी, जिनके पास हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं सारे उसका भी टेक फॉग से लेना देना है और वायर ने अपनी स्टोरी में बताया है कि कैसे उनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स परसिस्टेंट सिस्टम्स के लोगों के माध्यम से मिले सूत्रों के माध्यम से जिन्होंने ये बताया कि परसिस्टेंट सिस्टम जो कि भारत का आधार का काम भी देख रहा है नेशनल हेल्थ मिशन भी देख रहा है यूआईडीआई में उनके गवर्निंग बॉडी में उनके प्रमुख भी हैं, उनका भी टेकफॉक से काफी लेना देना है काफी अंतरंग संबंध है शेयर चैट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी अपने आप में सवाल उठाता है मैंने दो कॉर्पोरेट्स का नाम लिया एक परसिस्टेंट सिस्टम एक शेयर चैट शेयर चैट एक इंडियन स्टार्टअप है इस स्टार्टअप का क्या दुरुपयोग किया जा रहा है क्या वो जानबूझकर इसका पार्ट है क्योंकि ये ट्विटर और स्नैपचैट द्वारा फंडेड प्रमोटेड एक ऐप है भारत का ऐप है तो ये भी स्पष्टीकरण आना जरूरी है मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से औरतों के खिलाफ दुष्प्रचार और आ, शायद एक औरत होने के नाते मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म से उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी जिनके बेसिस पर कॉन्टैक्ट लिस्ट टेकफॉग ने बनाई हुई है जैसे आप लोग अपने फोन पे कई बार ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर लोगों को मैसेज भेजते हैं वैसे टेक फॉक के पास सेग्रीगेटेड लिस्ट बनी हुई है जिनके माध्यम से वो लोगों तक पहुंचकर अपना मैसेज भेजते हैं ये सेग्रीगेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी है व्हाट्सएप का भी है शेयर चैट्स का भी है उसमें तमामो सेग्रीगेशन है आई फील अम से उ डिमीनिंग दैट इज हाउ करप्टल सिस्टमता है, है क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उनके आई टी सेल के सदस्य वो सब इसमें संलिप्त है तो हमारी अंत में अः कुछ मांगे हैं और कुछ सुझाव है हमारी पहली सवाल तो यह है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार चुप क्यों है पेगस बातें भारत सरकार ने चुप्पी कब तोड़ने का फैसला किया है भारत सरकार चुप क्यों है क्योंकि भारत सरकार के आईटी और टेलीकॉम मिनिस्टर मेरी जानकारी के अनुसार कल लखनऊ में थे बड़ी बड़ी बातें कहकर चले गए आज आप क्या कर रहे हैं जब आपके सिटीजन के खिलाफ यह हो रहा है है तो तो सच तो यह है कि सरकार बताए कि सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है इस पूरे मामले में हालांकि सरकार की पुलिस है और मुझे ज्यादा आशा नहीं कि सरकार कुछ करेगी लेकिन फिर भी एक चुनी हुई सरकार से हम ये सवाल करते हैं और यह डिमांड करते हैं कि आप तुरंत एक्शन लीजिए इसके खिलाफ उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ऑलरेडी पेगसिस के मामले को एक जांच समिति के द्वारा तफ्तीश हो रही है सुप्रीम कोर्ट से हम आग्रह करेंगे कि उच्चतम न्यायालय इसका स्वतः संज्ञान ले और जो भी इसके पीछे उसको कड़ी से कड़ी से सजा मिले क्योंकि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का लगातार किसी को भी इजाजत नहीं मिल सकती वो चाहे भारतीय जनता पार्टी उनके दो रूपल्ली के ट्रोल और उनकी इस तरह के एप क्यों ना हो जो टेक्नोलॉजी को भी बाईपास करते हैं उसके अलावा जो देवांग दवे नामक सज्जन है उनका स्पष्टीकरण आना जरूर जरूरी है भारतीय जनता पार्टी से आप सत्ताधीन पार्टी हैं इस देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला इस देश में महिलाओं की अस्मिता का मामला इस देश में लोकतंत्र का मामला आपके लिए भी उतना गहन विषय है जितना प्रमुख विपक्ष कांग्रेस पार्टी के लिए है साथ ही साथ जो दो कॉर्पोरेट्स का मैंने नाम लिया परसिस्टेंट सिस्टम जो आधार भी देख रहा है नेशनल हेल्थ मिशन भी देख रहा है जो गवर्निंग बॉडी में आनंद देश पांडे जी हैं वो क्लैरिफाई करें कि आपकी क्या भूमिका है टेगफॉक के साथ और शेयर चैट बिल्कुल स्पष्टीकरण दे कि क्या आपके अकाउंट्स का दुरुपयोग किया जा रहा है क्या आपकी जानकारी के साथ ये हो रहा है क्योंकि ऐसा होना चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो शेयर चैट हो चाहे वो ट्विटर अकाउंट हो चाहे फेसबुक हो ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी का हनन तो है ही ये पूरी तरह से भ्रमित करने का एक जालसाजी का एक एक संरचना रचकर दुष्प्रचार करने का सबसे बड़ा माध्यम बनता दिखाई हो रहा है तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी आपके अगर कोई प्रश्न हो तो मैं जरूर लेना चाहूंगा ज्वाइनिंग बीजेपी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड आर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन after pegasus and after uh, you know coming to light how journalists and people have been attacked to do their duty we are now being told and the wire has done a story yesterday and i congratulate the wire for putting it all together it's a it's a it's a mammoth task they've spent two years onto this so uh, uh, whatever i quote now is attributed and should be attributed to the wire report but according to that report the wire very categorically says that there is an app called the Tech Fog, which is being used to primarily amplify the social media messages, to spread misinformation, to spread hate speech, and to target women, largely women journalists. Now, what does this Tech Fog really do? The Tech Fog creates system generated accounts on Twitter, on Facebook, and other social media platforms. These accounts then amplify their messages. Uh, and not just amplify it; they also start replying to any anti-government, uh, any any reasonable questioning on the part of citizens. And it is downright derogatory to how those replies are. You can be uh, you, you you can be uh, threatened to be killed uh, as a woman, sexual abusers uh, as a journalist. They will question your ethics. They will target your families. So those are the kind of things that are happening via tech fog. Now, what does tech fog really do? So tech fog helps. In propagating hashtags, it jumps onto the hashtag Bangoodwagon. It propagates hashtag to create a narrative. What suits the BJP? Uh, it also, and this is according to The Wire, it also accesses the WhatsApps of people, accesses their contact list, start sending messages. It also does access Snapchat, uh, share chat accounts. Uh, of people and which is where a big question on india's corporates are being raised uh, i also want to point out very categorically here that what the tech fog app does uh, is dangerous and it's dangerous because they've got segregation they've got contact lists on the basis of women journalists in delhi on the basis of you know uh, congress persons in up on the basis of derogatory things like women with large breasts i mean those are the kind of uh, insinuations, Those are the kind of remarks on the basis of which their uh, lists are segregated. I also want to point out two things very categorically here. How is the BJP involved? There's a certain Mr. Devang Dawe who's the manager of this tech fog, according to the wire report. And this Mr. Devang Dawe is was a uh, was an official office bearer of the BJP IT cell. He was the social and media coordinator or head of the Bhartiya Janta Yuva Morcha. He was working with Mr. Fadnavis very closely. He, despite doing all of this and also promoting I support Narendra Modi, was subcontracted some work from India's election commission. So the BJP needs to come clean on who is this man and why is he involved with tech fog and, and what sort of involvement there has been because now we know very categorically that the users of tech fog are not just the bjp or its ministers or its spokespersons uh, or the bjym but also a few media channels and i would not want to name them here but you can turn on your televisions and where you see maximum hatred and maximum name calling and some of those channels that we do not go to because of precisely those regions are actually big users of tech fog big they access tech fog in a big way the TechFog uh, uses a geo replicated server, which is why you can't trace it because it keeps changing from one computer to the other. But what is even more shocking is the role of a few corporates in this. Persistent Systems uh, data accessed by The Wire and, and the reports that they have have accessed some documents which categorically state that Persistent Systems is in a relationship with TechFog. They have some ongoing work with them. We would like to understand that Persistent Systems is also doing some work for India's national health uh, data mission. Accessing such uh, sensitive data by a company which is also associated with tech raises eyebrows. But what raises further eyebrows is that Anand Deshpande of Persistent Systems sits on the governing body of the UIDAI. And which is why it's important to understand what is the role of Persistent Systems. We also would want a clarification on the role of ShareChat because apparently accounts have been accessed to people who've uninstalled ShareChat and, and their names feature in that list which has been put out by the wire and the lists that WIRE has accessed. So, in the end, I would only want to repeat uh, our demands and give a few suggestions. The government is obviously hand in glove with tech fog, especially the BJP is hand in glove with the tech fog. I want to raise a question. What is India's IT and telecom minister up to? Why has his ministry not woken up to how serious these allegations are, how serious the details are, which have now come to fore via this report? Because remember, they were living in denial about Pegasus as well. And today, the Supreme Court, uh, via its committee, is, is looking into Pegasus. I also want to understand in fact before i understand i would urge the supreme court of india because you're already looking into the pegasus matter to take suo moto cognizance of this report put out by the wire because this targets indian citizens this hurts the very foundation of our democracy so i would urge the supreme court of india to look into this and to punish in no uncertain terms people who are behind this because no one should have the right or the freedom to erode india's democracy in the same breath, I would like to ask from the BJP to come clean on Devang Dave. Who is he? Why is he doing what he's doing? Who has he been blessed by the, by the BJP, the BJYM? They need to come clean on this. And last but not the least, the two corporates that we name, whether it's uh, Persistent Systems or ShareChat, they need to come clean on their involvement with TechFog because TechFog very clearly is, is spreading hate speech, is targeting women in this country, is abusive. Uh, it helps in propagating lies and also uh, it, it helps in propagating a lot of hatred because the kind of uh, narratives that are being built i also want to uh, before i end just point out two or three examples of what tech fog has been able to do if you remember last year when mrs gandhi our president said that we will put the bill for every migrant labor walking home the very same day hashtag congress against laborers this was done by tech fog the, the Systematic targeting of Tablighi Jamaat was done by Tech Fog. Also, at 3 a.m. in the morning, Karma Yogi and UP starts trending, and tens and thousands of people uh, start becoming a part of that lie. This is all thanks to Tech Fog, and which is why this needs to be taken very, very seriously uh, because this does hurt the very foundation of our democracy, and we cannot allow that at any space. आग्रह करूंगा अपने सवाल इंगित करिए अरुण जी कांग्रेस के प्रांगण से अनम्यूट करिए सवाल पूछिए लेकिन प्रणव जी मेरा इससे संबंधित सवाल नहीं थोड़ा अलग है तो पहले अगर आप इसका करवाना चाहते हो तो, तो, तो मोटो ले लेते हैं पहले हम आप जी 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 इंतजार करते हैं सदात पीएनआई से सदात आई हाँ मैं मेरा आपसे सवाल ये है कि किस तरह की जांच आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की ही जांच चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पहले सरकार इस इसके इसके लिए कोई जांच करे ये पहला सवाल में रहिए है दूसरा ये कि एक बड़ा बड़ा अगर इस बात को यकीन करा जाए वायर की तो एक बड़ा Nexus है तो उस पूरी तरीके से अनर्थ किया गया है लेकिन आप भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा हवाला सिर्फ दवायर का ही दे रही हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको ओन करती है इस बात को? क्या इस बात बात को को क्या बिलीव करती है और आप लोग उसको ये रास्ता अगर नहीं मिलता है तो आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको आगे कैसे उठाएंगे आ, सबसे पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगी कि क्या हम इसको ओन करते हैं या नहीं करते हैं एक रिस्पेक्टेबल मीडिया एजेंसी ने खबर छापी है अः उन्होंने उसमें सारे तथ्यों का हवाला दिया है उसमें स्क्रीन इंफॉर्मेशन है जिसको उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उसका पुष्टिकरण किया है अगर एक रिस्पेक्टेबल मीडिया एजेंसी जिसने की पेगस पर भी काम किया था और दो साल शायद लगभग इस पूरी इस पूरी रिपोर्ट को छापने के पहले इस पर काम किया गया अगर वो ऐसी एक रिपोर्ट छापती है तो मैं इसका संज्ञान भी ना लूं और मैं इस पर कुछ ना कहूं मुझे लगता है शायद गलत होगा लेकिन चुनी हुई सरकार इस पर क्यों चुप्पी लगाए हुए है वो अपने आप में ज्यादा प्रश्न उठाता है और प्रतिक्षम किम प्रमाणम हम मैंने आपको जो तीन तीन बताए वो तो सिर्फ हैं ऐसे तीन हजार, तीन लाख है, जहां पर टारगेटिंग होती है आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन पर देख लीजिए अगर मैं कुछ डालती हूं सरकार के खिलाफ तो पहला जो टारगेटिंग होती है वो ऐसे ऑटोमेटेड हैंडल से होती है कि आपको समझ ही भी नहीं आता ये लोग है कौन और ये एक ही तरह की भाषा कैसे बोलते हैं ये एक ही तरह की बात कैसे करते हैं तो प्रतिक्षम प्रमाणम मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ये बात सही है और एक मीडिया एजेंसी ने अगर ये खबर पब्लिक डोमेन में डाली है तो क्या चुनी हुई सरकार आंख पर पट्टी बांधे रहेगी और डिनायल में ही रहेगी या इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेगी ये मेरा पहला जवाब है आपके दूसरे सवाल को जो आपने पहला सवाल पूछा कि हम क्या चाहते हैं हम चाहते तो है कि सरकार इस पर अपनी चुप्पी तोड़े आईटी और टेलीकॉम मिनिस्टर इस पर कुछ बताएं कि भैया क्या हो रहा है ये कैसे इस देश में हो रहा है कैसे बिना ओ के एक सॉफ्टवेयर है जो आपके व्हाट्सएप पे आपकी शेयर चैट पे ट्विटर पे फेसबुक पे पूरा कब्जा कर लेता है और दुष्प्रचार फैलाता है नफरत फैलाता है औरतों के खिलाफ गंदी गंदी गालियां देता है भद्दी बातें करता है तो ये तो बताना जरूरी है और सरकार क्योंकि नहीं बताएगी क्योंकि भाजपा पूरी तरह से इसमें सम्मिलित दिख रही है जो वायर की रिपोर्ट है उसके अनुसार तो भाजपा ही का ये किया गया है तो इसीलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि इसका स्वतः संज्ञान लीजिए क्योंकि सच तो यह है कि भाजपा तो और सरकार तो पेग को भी डिनाई कर रही थी जब कोर्ट ने जांच समिति बना दी तभी जाकर वो लोग भी शांत हुए तो इसीलिए मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले क्योंकि चुनी हुई सरकार से मेरी अपेक्षाएं कम है जी, यू. अगला सवाल लेता हूं जैनन्द्र एवीपी से जैन सोमोटो पे सवाल है आपका जी सर सोमोटो पे सवाल है और सवाल ये है सुप्रिया जी से कि मैम बहुत ही गंभीर मामला है और जैसा कि आपने खुद ही आरोप लगाया है और जो स्टोरी प्रकाशित हुई है कि जो सत्ताधारी दल है उससे साठ के का आरोप है तो ऐसे में उम्मीद तो कम ही करनी चाहिए कि इसकी जांच होगी हो और खुद सत्ताधारी पार्टी की जहां सरकार है वहां करवाई जाएगी अंटिल की कोर्ट इसमें संज्ञान ना ले तो क्या बीच जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं जिन राज्यों में क्या हम वहां से उम्मीद करें कि वो वो राज्य सरकारें स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले में अः लीगल एक्शन करेंगी या फिर इस पर लीगल एक्शन पर विचार करेंगी कि अगर उनके डोमेन में आता है तो वहां से हम क्या कोई एक्शन होता हुआ देखेंगे जनेश जी मैं आपकी बात का थोड़ा सा स्टेप बैक करके थोड़ा सा पीछे हटके जवाब दूंगी जब भी ऐसे गंभीर विषयों को जब भी ऐसी गंभीर रिपोर्ट्स को गंभीर आक्षेपों को पब्लिक डोमेन में लाया जाता है तो एक यह सजेशन आता है कि सरकार अगर नहीं करेगी तो आप अपनी राज्य सरकारों से करा लीजिए आपके सजेशन को मैं का मैं तिरस्कार नहीं कर रही हूं ना मुझे उससे कोई आपत्ति है लेकिन एक चुनी हुई केंद्र में सरकार है जिसके पास मैंडेट है जिसके पास गवर्नेंस का मैंडेट है तो चुनी हुई केंद्र सरकार क्या मुखदर्शक बनी रहेगी और राज्य सरकारें काम करेंगी मुझे ऐसा लगता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी तक का मामला है ये औरतों की अस्मिता का मामला है यहां पर भाजपा की संलिप्तता दिख रही है तो चुनी हुई सरकार इसमें चुप नहीं बैठ सकती और हम अपने राज्यों में काम कर ये जो सजेशन आता है इससे मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि ये गवर्नेंस मॉडल को डिस्टॉर्ट करने वाली बात होती है दिल्ली में बैठी हुई सरकार आखिर क्या करेगी अगर सब कुछ ही राज्य सरकारें कर लेंगी और मेरा अपना मानना है कि जिस तरह का डोमेन आ, इसमें चाहिए वो केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार को छोड़कर अगर वो किसी के पास है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है इसलिए मैंने इन दो प्लेटफॉर्म पे अपनी मांग रखी है सुप्रिया जी मैं इसमें एक अंश ये जोड़ना तो प्रश्न समान थे सिद्धार्थ और जैनिंद कि इस देश में लगभग एक लाख से ज्यादा पत्र पत्रिकाएं और तीन सौ से ज्यादा समाचार चैनल हैं और जो छोटे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं या चैनल है वो अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं उनका योगदान है पर जो बड़े चैनल हैं और बड़े पत्रकार हैं उनसे भी कुछ अपेक्षाएं हैं कि वो इस संबंध में कुछ अन्वेषण करेंगे कुछ जांच करेंगे कुछ तथ्य जो है लोगों के समक्ष लाएंगे वायर ने एक एग्जाम्पल दिया है वायर जैसी अन्य संस्थाएं भी समय समय पर ऐसी खोजी पत्रकारिताएं करती रहती हैं जो कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आवश्यक है तो हम अपेक्षा करेंगे कि इस बारे में आपकी तरफ से भी कुछ पहल हो मैं अगले प्रश्न पर जाता हूं प्रशांत एबीपी से प्रशांत जी पूछिए प्रशांत कुमार जी यस प्रणव सरणव सर मैम प्रशांत

सुप्रिया जी हर दिन प्रधानमंत्री के फिरोजपुर दौरे के बाद जो कुछ हुआ हर दिन उसमें कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा है और बीजेपी आज भी ये कह रही है कि जो नया वीडियो आया है उसमें यह दिख रहा है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी न आगे जा सकती है न पीछे जा सकती है और जो लोग थे प्रदर्शन करने वाले वो बेहद करीब चले गए थे तो वो कह रहे हैं कि खूनी खेल खेल रही है कांग्रेस अरुण जी वो वीडियो आपने भी देखा है और वो वीडियो हम सब लोगों ने देखा है और मैं सतत यह कहती जा रही हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को अपना लीडर मानने का छोड़ देगी और इस देश का प्रधानमंत्री मानेगी हम सबका प्रधानमंत्री मानेगी जो कि वो है उस दिन ये तुच्छ छुद्र मानसिकता की राजनीति करनी छोड़ देगी जो आज वीडियो आया है पंजाब से और आप ही के किसी साथी के माध्यम से आया है उसने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है क्योंकि मोदी जी के आसपास तो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो मोदी जी जिंदाबाद कर रहे हैं और भाजपा का झंडा लिया हुए हैं। मैं तो कुछ और सवाल पूछना चाहती हूं कि प्रोटोकॉल आफ्टर ऑल क्या होता है और प्रोटोकॉल जो एसपीजी प्रोटेक्टिव होता है उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी है मोदी जी आज इस देश में सिर्फ और सिर्फ अकेले एसपीजी प्रोटेक्टिव है एसपीजी रिपोर्ट्स टू द पीएमओ एंड टू द कैबिनेट सेक्रेटरी

क्योंकि हम सब ने देखा है मोदी जी को अपने इर्द गिर्द कैमरे और उनके बीच में अगर कोई आ जाता है वो स्वीकार नहीं है असलियत मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ ये खाली कुर्सियां हैं भाजपा को अपनी प्रधानमंत्री के पद की उनकी गरिमा की और उनकी सुरक्षा पर क्षुद्र गंदी राजनीति छोड़ देनी चाहिए और मेरा अपना मानना यह है कि ये सारा जो किया करायत की जा रही है इसको छोड़कर जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं जिस तरह से जो हमने आपके सामने रिपोर्ट रखी वायर की वो सामने आई है गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित करिए ये सारी बातें बेमानी है और ये आपके अपने लोग हैं और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने विरोध का प्रदर्शन का सामना किया है उनको बुलाकर बातचीत करी है चाहे वो इंदिरा जी हो चाहे वो राजीव जी हो चाहे डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह जी हो चाहे कल मुख्यमंत्री चन्नी जी हो जिन्होंने जाकर संवाद स्थापित किया है ये आपके अपने लोग हैं तीन करोड़ पंजाबियों को अपनी जान का दुश्मन मत डिक्लेयर करिए आप पंजाब का विश्व में सर नीचा मत करिए ये गलत कर रहे हैं आप ये पंजाब के साथ आप पाप कर रहे हैं ये पंजाब वो प्रदेश है जहां पर लोग सरहद पे खड़े होकर मुस्तैदी से देश की सुरक्षा की लड़ाई लड़ते हैं उन पंजाबियों का पूरे विश्व में सिर नीचा करने का काम मोदी जी उनकी पार्टी और उनके प्रवक्ता करना बंद करें ये बिल्कुल गलत है ये पंजाबियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है थैंक यू Thank you. Prashant, uh, please ask your question. Uh, yes, sir. Ma'am, I basically want to ask you on the fact that uh, Rahul Ji has put out a tweet in the morning once again highlighting what's happening uh, at the Chinese border, once again raising concerns over there. Now, the BJP leaders have once again come out and said that uh, look at this. Rahul Gandhi is speaking on what is happening at China, but is silent on what happened with, with the Prime Minister in Punjab. Ma'am, your reaction to that?

क्यों आपको पंजाब से इतनी नफरत है क्योंकि वहां पर खाली कुर्सियां थी इस तरह की और खाली कुर्सियां क्यों थी एक बार अपने से पूछिएगा तीन दिन किसानों ने बैठकर आंदोलन किया आपसे मिलने की कोशिश करी आपके दर पर वो बैठे रहे आपके पास कीले और तार लगाने का टाइम था आपने तो तथाकथित तौर पर अपने गवर्नर तक को ये कहा कि 500 किसानों की मौत हो गई तो मेरे लिए थोड़ी मरे तो आपको लग रहा था ये सब करने के बाद लोग दौड़े दौड़े आपकी रैली में आ जाएंगे अरे दो घंटे आप चल चुके थे सड़क पर उस सड़क पर दो घंटे चलने के बाद आपकी आशा थी कि रैली भर जाएगी रैली नहीं भरी होता है आपको वापस जाना पड़ा तो पंजाबियों से इसका बदला मत लीजिए इस प्रकरण को यही समाप्त करिए थोड़ी सी मेचोरिटी थोड़ी सी डिग्निटी जिस पद पर आप है उसी की दिखाइए आपसे तो आशा खैर मैं नहीं करती हूं जहां तक आपने राहुल जी की चीन पर सवाल उठाने की बात करी उन्होंने शत प्रतिशत बात सही कही है चीन ने अगर प्रोपोगडा भी किया अगर मैं भाजपा की बात मान लू अगर चीन ने प्रोपोगंडा भी किया तो उसका जवाब कौन देगा क्या प्रधानमंत्री चुप रहेंगे क्या रक्षा मंत्री चुप रहेंगे इस बात का जवाब भी नहीं दिया जाएगा चीन तो ये दम भर रहा है कि उसने गलवान में झंडा फहराया और राष्ट्रगान गाया हम सब ने देखा है जिस गलवान वैली में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और प्रधानमंत्री चुप रहेंगे प्रधा... अरुणाचल से लोग कह रहे हैं चीन घर बसाता जा रहा है डोकलाम के पूरे प्लाटो पर चीन ने फोर्टिफिकेशन कर दिया है हर जगह चीन घुसपैठ कर रहा है प्रधानमंत्री चीन का नाम ही नहीं लेते हैं और नाम लेना तो दूर की बात है पिछले वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने तो चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया आप बैन करेंगे आप लाल आंखों की बात करेंगे जब 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 विपक्ष में में होंगे जब सत्ता आपके हाथ होगी कार्रवाई आपको आपको करनी रहेगी संवाद करना रहेगा तो आप मुंह दुबाकर उनको सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना देंगे और आपके लोग राहुल जी को अटैक करेंगे इस देश की अस्मिता इस देश की भूभागीय अखंडता के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है और चुनी हुई सरकार को चुने हुए प्रधानमंत्री को उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए Thank you. Any any और question? सर, तो सवाल सुप्रिया जी, जी।, 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 जी हालांकि आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध वाले इशू को एड्रेस किया है लेकिन एक गंभीर आरोप लगाया है गिरिराज सिंह ने केंद्रीय मंत्री हैं। इस वजह से उनका सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मौत के कू में फंसाने की साजिश थी और हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से हो सकती थी ये ट्वीट उन्होंने किया है इस पर आप जवाब देना चाहेंगे मैं इसका इसलिए जवाब नहीं देना चाहूंगी क्योंकि इस तरह की विक्षिप्त बात एक विकृत दिमाग का विक्षिप्त आदमी कर सकता है इस तरह की बात का जवाब देकर मैं उनकी इज्जत अफजाई नहीं करना चाहूंगी इस देश के एक राज्य में मोदी जी जाते हैं और जाकर तथाकथित तौर पे मैं अभी भी कह रही हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अभी तक नहीं कहा है है मीडिया यह दिखा रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं जिंदा बचकर आ गया जिसका उन्होंने खंडन नहीं किया है इस देश के एक भाग में आपको जान का खतरा है तो क्या मोदी जी आप दुनिया को यह दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे देश में इतनी अराजकता है कि जहां पर प्रधानमंत्री की जांच नहीं सुरक्षित जान नहीं सुरक्षित है क्या आप दुनिया को यह दिखाना चाह रहे हैं कि आप को भाग कर आना पड़ा क्या आप दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि हमारे किसान जो आपके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे उनसे बजाय संवाद स्थापित करने के उनको उनके सारे राज्य को उनकी सारी कौम को उनके सारे लोगों को आप हत्यारा घोषित कर देंगे क्या आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो वीडियो दिखाता है कि आपके समर्थक खड़े होकर वहां पे भाजपा के झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे थे उसको एसपीजी ने नहीं हटाया ये मुख्यमंत्री चन्नी की गलती है सच तो यह है कि एक दलित शोषित वंचित समाज का गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बन गया है भाजपा को गले के नीचे उतर नहीं रहा है बर्दाश्त नहीं हो रहा है लेकिन इसकी आदत डाल लीजिए आदत इसलिए डाल लीजिए क्योंकि कांग्रेस ऐसे लोगों को बढ़ावा देगी ऐसे लोगों को सशक्त पदों पर बनाएगी और अगर आपको लगता है कि आप इसको नहीं झेल सकते हैं, तो ये आपकी समस्या और आपके मंत्रियों की समस्या है प्रणब जी इज इट ओके शुड बी कॉल इट सर uh, तो मेरा uh, मेरा uh, सवाल एक तो यूपी के लिए है और दूसरा इस पंजाब से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को पंजाब पुलिस को और सेंट्रल एजेंसीज को कहा है कि जो पूरा रिकॉर्ड है उस दिन का वो हाई कोर्ट के अंदर सबमिट करें ये इस पे दूसरा मेरा सवाल इसी से पंजाब से रिलेटेड ये है कि कई अखबारों में आज प्रकाशित हुआ है कि सोनिया जी ने आ, जो है पंजाब के मुख्यमंत्री को हिदायत दी और तमाम बातें उस प्रकरण को लेकर कही है इस पे आप आपकी टिप्पणी चाहता हूं और उत्तर प्रदेश में आप हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी के घाट पर ये कई पोस्टर लगाए गए हैं जहां पर सीधे तौर पे चेतावनी दी गई है नॉन हिंदुओं को वहां पर ना आने की इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं पहले उत्तर प्रदेश की ही बात आपको बता देती हूं मेरी जानकारी के अनुसार ये काम किया गया था वाराणसी में और लोकल लोगों ने ही वो पोस्टर फाड़ डाले तो आप इस देश को विभाजित करने में कोई भी कोशिश बाकी मत छोड़िएगा लेकिन यह देश एकजुट रहकर आपको सबक सिखाएगा मोदी जी लोकल लोगों ने ही वो पोस्टर फाड़कर आपको तिरस्कृत कर दिया आपकी गंदी विकृत सोच के लोगों को घर बैठा दिया ये लोकल लोगों ने किया इस तरह के काम करने नहीं चाहिए अगर ऐसे काम होते हैं तो प्रशासन को और पुलिस को तमाशबीन भी न रहकर इन लोगों को कड़ी सजा सुनानी चाहिए लेकिन भाजपा के रूल में योगी जी की दया से मोदी जी की कृपा से शायद ये सारी चीजें होती नहीं है आई आई होप आंसर योर क्वेश्चन ऑन उत्तर प्रदेश मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जवाब इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए इमोशनल इशु भी है uh, कल से सोनिया जी का नाम इसमें आ रहा है सोनिया गांधी जी इस देश की मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष है हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया कि वो जिंदा बचकर आ गए सोनिया गांधी जी ने राजनीति में दशकों नहीं बिताए हैं सोनिया गांधी जी वो स्त्री हैं जिनकी गोदी में एक लहूलुहान प्रधानमंत्री ने शहादत दी है। सोनिया गांधी जी वो हैं जिन्होंने अपने पति को आतंकियों के हाथ चढ़ते हुए देखा और उनकी शहादत देखी है तो सोनिया गांधी का नाम इतने हल्के से भाजपा लेना बंद कर दे उन्होंने अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य का निर्वाह किया अगर प्रधानमंत्री इस तरह का दुष्प्रचार करके इस तरह के ओछी छोटी छुद्र बातें करेंगे तो उन्होंने अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य का निर्वाह किया उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन किया और जानना चाहा कि आखिर क्या हुआ था और प्रधानमंत्री की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है ये किरदार सोनिया गांधी जी ने अदा किया लेकिन भाजपा उनके लिए उनसे संबंधित लोगों के लिए उनकी पार्टी के लिए क्या किरदार अदा करती है आज भाजपा को शायद थोड़ा आत्ममंथन करने की जरूरत है आपका जो सबसे पहला सवाल था पंजाब का जो मामला कोर्ट में आया उसको लेकर वो मैं आपको बता देती हूँ कि कोर्ट में जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी और ये जो तथाकथित एनजीओ है जिसके कर्ताधरता नीरज जी हैं जो भाजपा की दिल्ली लीगल सेल से भी संबंध रखते हैं कोर्ट ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा जब वहां पे कहा गया कि ये सेंट्रल एजेंसीज़ को सौंप दिया जाए और इस पर एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब ने आपत्ति जताई तो कोर्ट ने बिल्कुल उनकी बात मानी और कोर्ट ने इसको सबमिशन को अग्री किया कि जो डीएस पाटवालिया जी थे उनके सबमिशन से अग्री किया और वो प्ली रिजेक्ट कर दी कि ये मामला सेंट्रल एजेंसी को सौंपा जाए ये सोनिया गांधी जी की का नेतृत्व है ये कांग्रेस की सोच है ये चन्नी जी की ईमानदारी है कि आपके अनर्गल आरोप का भी हम जांच कराएंगे हम इस पर पूरी तरह से हमने कमिटी घोषित करी है हम इस मामले की तह तक जाएंगे जबकि सच तो यह है कि एस जी का डिसीजन था आप वहां पर खाली कुर्सियों की वजह से नहीं गए आपको ऑप्शन दिया गया था ऑल्टरनेट रूट से जाने का आपको ऑप्शन दिया गया था जहां पर आप थे वहां से हेलीपैड से जाने का हेलीकॉप्टर से जाने का लेकिन आपने वापस आकर इस तरह की ओर हरकतें करने का मन बना लिया था क्योंकि कुर्सियां खाली थी मैं फिर से कहूंगी इस तरह की हरकतें इस तरह का व्यवहार प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री के कार्यालय को शोभा नहीं देता है और सबसे ज्यादा ये भाजपा के लोगों को इसलिए शोभा नहीं देता क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारी कवायद है ये प्रधानमंत्री के पद को धूमिल करती है पांच सौ बानबे करोड़ रुपए प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर हर साल खर्चा होते हैं क्या आपको लगता है ये देश प्रधानमंत्री को सुरक्षित नहीं रख सकता है थैंक यू शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद आप सबका बहुत yes. बहुत थैंक एवरीवन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू